फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ अपने भैया भाभी के घर पर बनाए गए छोले पूरी। छोले पूरी मैंने जब खाए मेरे को बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि एक बार ये रेसिपी आपके पास ज़रूर शेयर करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं ये। और पूरी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी होती है ऊपर से और अंदर से इतनी खस्ता होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, मज़ा आ जाता है खा के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन्होंने क्या किया है कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसको कूट लिया है और एक कुकर लेंगे और उसको गर्म होने रख दिया। और इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में बनाने वाले हैं छोले पूरी। और 1 गिलास छोले को बॉईल करके रखा हुआ है, बॉईल भी सिर्फ नमक डाल के किया हुआ है। और 2 लिए बड़े आलू और साथ में ये डालेंगे चॉप किया क्रश किया हुआ टमाटर और प्याज। चलो ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 बड़ी प्याज जो चॉप करके रखी हुई थी वो डाल देंगे जैसे ही जीरा क्रैक हो जाएगा। यह हम प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। आई एम श्योर इस तरीके की छोले पूरी आपको पसंद आने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से ये लोग बनाते हैं। और बस इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। जो इन्होंने मिर्च ली थी वो 3 से 4 में हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 कलियां वो कूट के रखी हुई थी। मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, तो आप इस चीज़ का मेज़रमेंट ज़रूर लें। और इसमें डाल दिया पहले टमाटर, ये 3 बड़े टमाटर हैं जो इन्हें कद्दूकस करके रखे हुए थे। और बस इसको भी पकने देंगे। अब ये इन्होंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर एक डाला 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च हल्दी पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा डालिए लाल मिर्च पाउडर। और यूज़ करेंगे MDH का गरम मसाला, आप चाहें तो चने मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक बनाकर पेस्ट तैयार कर लिया और हमारे टमाटर भी सॉटे हो चुके हैं। और इस पेस्ट को हम डाल देंगे जिससे हमारा जो मसाला है वो जले ना। और बस इसको तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। धीरे धीरे पकाते जाएंगे। और जो हमने हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो ओखली में से निकाल लेंगे और वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। इसको हमने निकाल लिया और इसको भी हम यूज़ करेंगे। और इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए छोले और ऊपर से डालेंगे 2 मैश किए हुए आलू। और बस इसको करेंगे हम मिक्स जिससे जो मसाले हमने यूज़ किए हैं वो सब इसमें अच्छे से रम जाएं। ये खाते हैं थोड़े से ग्रेवी वाले छोले, तो इसमें इन्होंने 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। तो इसमें डालेंगे हम पानी, आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। अगर आपको छोले थिक चाहिए तो आप वो भी आप बना सकते हैं, तो पानी कम कर दीजिए। और बस बनकर तैयार। ये हमने 10 से 15 मिनट पकाए हैं और लाजवाब ऊपर से डाल दिया धनिया। और बस हमारे छोले बनकर तैयार। चलो देखते हैं पूरियां कैसे बनती हैं। और इन्होंने आटा मल कर तैयार किया और ऊपर कढ़ाई में डाला रिफाइंड ऑयल और बस पूरियां बनानी शुरू।
देखिए किस तरीके से बेलते हैं, किस तरीके से पूरियां उतारते हैं, कितना आराम आराम से पूरियां बनाते हैं और आराम से ही उतारेंगे। आप एक एक पूरी देख सकते हो, इनकी खाने में बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत क्रिस्पी होती हैं ऊपर से, उसका जो पापड़ होता है, वाह वाह वाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें और इसका रेसिपी का आप फीडबैक मुझे ज़रूर दें। बस एक एक पूरी करके ये उतारते हैं, एक एक पूरी बनाते हैं, डालते जाते हैं और बस पूरियाँ एकदम खस्ता फूल कर ऊपर आ जाती हैं। वाओ, है ना क्रिस्पी और खस्ता। ये देखिए किस तरीके से, बस एक बार डालते हैं और ऊपर से इसको दबाते जाते हैं और पूरी पूरी फूल कर ऊपर आ जाती है। और एकदम बड़ी बड़ी पूरियां बनाते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बनाए, बहुत बड़ी बड़ी पूरियां बनाते हैं और एकदम मज़ा आ जाता है खा के। चलो पूरी भी बनकर तैयार, छोले भी हमारे रेडी, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। Yeah.